हाय गुड इवनिंग एवरीवन तो बेटा आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है इससे पहले बेटा हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं फिर बेटा हमने पढ़ा दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्स लगती है बेटा उसके बारे में बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि दो चार्जेस एक दूसरे के साथ बिना टच किए भी एक दूसरे के इंट्रेक्शन में आते थे एक दूसरे के एरिया में आते थे फोर्स को एक्सपीरियंस करते थे वो कैसे देखिए बेटा हर एक चार्ज के पास क्या होता है बेटा हर एक चार्ज के पास बेटा एक एरिया होता है जिसमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जब कोई दूसरा चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो बेटा या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन को एक्सपीरियंस करता है समझे मेरी बात तो पहले हम लोग आज लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स स्ट्रेंथ ठीक है बेटा तो जब भी हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की तो सबसे पहले हमें लिखना चाहिए इसका डिफाइन उसका डिफाइन क्या होता है इट इज अ रीजन In which a charge particle can experience electric force, experience electric force, Matlab. किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज आए और फोर्स को एक्सपीरियंस करे कैसे देखो ऐसे मान लीजिए बेटा ये आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है इसके बेटा आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि रेडियो आउटवर्ड है मतलब पॉजिटिव के लिए हमेशा ये आउटवर्ड रहता है अब सपोज करिए किसी तरह इसके पास इसके पास एक कोई टेस्ट चार्ज आ गया टेस्ट चार्ज बेटा क्या होता है जो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है मैं लिख देता हूं यहां पर मान लीजिए टेस्ट चार्ज और उसे मान लीजिए बेटा ये है सोर्स चार्ज जो बेटा फोर्स लगाएगा वो हमेशा सोर्स होगा जो उसको एक्सपीरियंस करेगा बेटा वो उसे क्या बोलेंगे हम टेस्ट चार्ज बोलने वाले हैं समझे मेरी बात सभी क्लियर हो रहा है बेटा यहाँ तक हाँ अब देखिए अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के पास भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज के पास भी होगी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के पास होगी उसे हम काउंट नहीं करते हैं उसे काउंट क्यों नहीं करते हैं उसको काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड को हम काउंट करना शुरू करेंगे मतलब अगर हम सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को भी और टेस्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड को भी काउंट करना शुरू करेंगे तो हम एक्चुअल में रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे दोनों एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करेंगे जैसे मानिए क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूं ठीक है ठीक है क्लास ऑफलाइन है और आप लोग सभी बैठे हुए हो ठीक है अगर आप मेरी बात सुनोगे तो आपको समझ आएगा पर अगर मैं पढ़ा रहा हूं और आप भी बोलना शुरू करोगे तो दोनों की बातें क्लैश होंगी तो एक्चुअल में रिजल्ट समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में पढ़ा क्या रहे थे क्या हो रहा था क्या समझना है क्या समझना नहीं है तो दोनों में क्लैश हो जाता है इसलिए चीजें समझ नहीं आती हैं इसीलिए हम क्या करते हैं यहां पर टेस्ट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को नजरअंदाज कर देते हैं और बस हम सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या करते हैं काउंट करते हैं तो यहां तक बात को समझ आई सभी को आई होप सबको समझ आ गई होगी तो जैसे ही मैं किसी टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आया तो मेरे टेस्ट चार्ज ने क्या किया क्या एक्सपीरियंस किया बड़ा फोर्स को एक्सपीरियंस किया मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ आर है तो हमें पता लगेगा टेस्ट चार्ज को मान लो क्यों नॉट है तो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस किया इसने तो ये मान लो कैपिटल क्यों हुआ तो क्या क्या फोर्स बनेगी के क्यों क्यों बाय तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स का इतनी फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब कोई चार्ज किसी सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है ओके okay. तो अब जो स्ट्रेंथ की बात करते हैं स्ट्रेंथ क्या होता है स्ट्रेंथ का मतलब होता है हम सिर्फ फॉर्मला लिखेंगे इसका मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब जो भी बेटा हमने समझेगा मतलब जो इस मतलब यहां पर सोर्स चार्ज है इसे बेटा बोलते हैं सोर्स चार्ज अगर बेटा सोर्स चार्ज की फोर्स को अगर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है मान लो यहां पर एक टेस्ट चार्ज पड़ा है ये टेस्ट चार्ज है इसका ध्यान रखना इसका जो मैग्नीट्यूड है हम वन रखेंगे क्यों रखेंगे ताकि बेटा बहुत स्मॉल हो और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें काउंट ना करनी पड़े इसीलिए बेटा टेस्ट चार्ज हमने पॉजिटिव रखा है और ध्यान रखना हमेशा टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही लेना है सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो सकता है भी हो सकता है पर टेस्ट हमेशा पॉजिटिव ही लेना है है ठीक समझ सभी को तो ये 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 जो जब भी इसकी फील्ड फील्ड में आएगा ये इस पॉजिटिव की फील्ड है है तो क्या एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करेगा करेगा फोर्स को ठीक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है स्ट्रेंथ कितनी आएगी वो देखते हैं इसका क्यों क्या है यहां पर क्यों तो स्टैंड फॉर टेस्ट चार्ज एफ क्या है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज और ई e क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा आई होप सभी को यहां तक क्लियर है क्या किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है बेटा पूछ सकते हैं अगर आप कोई डाउट है तो सर वी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्जेस आर डिफरेंट इन अ डिफरेंट मीडियम इट्स इट इज प्लेस इन अ वाटर देन

वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा सुनिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा हमेशा रहती है मेरी बात समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमेशा रहती है पर फोर्स की वैल्यू कॉन्स्टेंट नहीं रहती है समझे मेरी बात आगे बढ़ते हैं समझाता हूँ धीरे धीरे चीजों को आगे एक्सप्लेन करता हूँ समझिए अब बेटा हमारे पास आता है सबसे पहले क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो हमें पढ़ना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझिए मान लीजिए बेटा यहां पर आपके पास एक सोर्स चार्ज है बेटा आपके पास क्या है बेटा सोर्स चार्ज है यहां पर आपके पास एक टेस्ट चार्ज है ओके okay. अब ये जो सोर्स चार्ज है बेटा इसके ऊपर क्या लगा रहा है फोर्स लगा रहा है ओके okay. कितनी फोर्स लगा रहा है बेटा क्या फॉर्मुला बताएंगे बीच का डिस्टेंस कितना मानते हैं आर क्या बेटा फॉर्मूला बनेगा के क्यू क्यू बाय आर का स्क्वायर अगर बताइए वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आर वेक्टर बाय आर ये सबको समझ आया ये किया था लास्ट टाइम भी किया था तो यानी कि हमें पता है जो इक्ट्री फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाय चार्ज फोर्स की वैल्यू कितनी है के तो खत्म कर दिया बेटा यहाँ पर चार्ज मान लीजिए कितना, कितना बचेगा बेटा के पास के क्यों आर का आर आर। ये हो गया इसका वैक्टर फॉर्म इसे बेटा बोलते हैं वैक्टर फॉर्म इसका बेटा कैसे लिखेंगे देखो इसका मैग्निट्यूट होगा इसे बोलते हैं scalar फॉर्म तो कई बार बेटा मैंने स्कूल के एग्जाम में भी देखा है कई बार बेटा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है okay, समझ आ गया अभी बेटा किसी को डाउट है इस टॉपिक में बताइए बेटा क्या अभी तक किसी को डाउट है यहां तक बढ़िया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखिए बेटा अगर दो चार्जेस हैं तो इनके बीच में इतनी फोर्स लगेगी तो अब समझते हैं और चीजों को ये तो बड़ा हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी इस तरफ हम नहीं जाएंगे ये देखिए सभी को समझ आ रहा है बेटा ये वाला अभी हमने किया है इस टॉपिक को नीरज जी बेटा आपने लेट थोड़ा लेट ज्वाइन किया है

पर न्यूटन पर कुलम पर जो इसका एक और यूनिट होता है वो बोलता है वोल्ट वोल्ट अपॉन वोल्त पर लेंथ ठीक है इसके बारे में तो हम आगे फर्दर चैप्टर में पढ़ेंगे अभी हमें याद रखना है न्यूटन पर कूलम तो वोल्ट पर मीटर भी आ जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है यहां पर हम मीटर आ, मीटर लिख लेते हैं वोल्ट पर मीटर लेते हैं ठीक है आगे आते दिक्कत वाली बात नहीं है टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको हम आगे पढ़ेंगे ठीक है तो ये आई थिंक सभी को याद हो गया है हमने पीछे भी चीज को किया है अब देखिए अगर कोई चार्ज आपके पास पॉजिटिव है उसकी डायरेक्शन हमेशा कहां को होगी उसकी डायरेक्शन बेटा हमेशा आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ होगी देखिए यहां पर अच्छा अगर कोई चार्ज आपके पास नेगेटिव है उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी उसकी डायरेक्शन बेटा अंदर की तरफ होगी ये देखिए देखिए अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये इनवर्ड होगा ध्यान रखना पॉइंट हमेशा पॉजिटिव सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है जो यहां पर जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे उसके हम काउंट नहीं करते हैं अरे वाह क्या क्वेश्चन आया हमारे पास बहुत सही क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है देखिए कह रहा है एक चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है मतलब मान लीजिए यहां पर एक सोर्स चार्ज है ई मान एक सोर्स चार्ज है यहां पर मान लीजिए टेस्ट चार्ज उसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है, है, है कितनी कर रहा है वो देखते हैं ये इसके ऊपर लिखा ड्रॉप करके हम दोबारा से लिख लेते हैं यहां पर ये यह है इसकी फोर्स फोर्स देखते हैं पहले वन पॉइंट फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री न्यूटन ठीक है ये हो गया हमारे पास फोर्स की वैल्यू और यहां पर टेस्ट चार्ज पड़ा था तो यहां लिखेंगे टू पावर तो हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मुला क्या आता है फोर्स बाय टेस्ट चार्ज फोर्स कितना है बेटा आप लोगों के पास 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन डेस्ट पर माइनस थ्री और चार्ज बेटा हमारे पास कितना है 1 10 माइनस 6 तो सॉल्व करिए कितना आता है हम सॉल्व करते हैं कट गया बेटा ये चला जाएगा ऊपर प्लस थ्री में आ जाएगा टेन टू पावर प्लस थ्री न्यूटन पर कूलम ये बेटा हमारे पास था ये सभी को समझ आया हाँ या ना यस बहुत बढ़िया है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग का सोल्यूशन भी ये सामने दिया है उसके साथ तो ध्यान मत दीजिए ओके अब बताइए ओ हो क्या क्वेश्चन है बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए मान लीजिए हमारे पास एक वाटर की बूंद है पानी की बूंद है जिसका वेट है टेन डेज टू पावर सॉरी टेन मिलीग्राम एक मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं टेन पावर सिक्स ग्राम होते हैं कोई दिक्कत नहीं है और चार्ज दिया है 1.5 पॉइंट फाइव इंटू टेन डेस्ट टू पावर माइनस सिक्सटीन ये है हमारे पास चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट ओके स्टे सस्पेंडेड यानी इक्विलिब्रियम में है वेरी गुड ससान हो गया काम इक्विलिब्रियम का मतलब है

ठीक है अब देखिए ऊपर बेटा कौन सी फोर्स लगेगी देखो ऊपर लगेगी तभी बेटा बैलेंस होगा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बेटा अगर वो कहीं अगर बेटा वो कहीं नीचे लगेगी तो बेटा ये तो नीचे चला जाएगा ये तो नीचे गिर जाएगा ना तो नीचे गिर जाएगा तो हमें दोनों को ऑपोजिट लगाना पड़े ताकि दोनों क्या रहे बैलेंस रहे क्या रहे

ये सबको समझ आ गया बेटा हाँ ना बोलिए फटाफट अगर समझ आ गया तो हाँ अदरवाइज ना जल्दी मेरे प्यारे मेरे बच्चों फटाफट 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 फटा 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 फटा। ओके समझ नहीं है आ, जी, आपको समझ नहीं आया क्यों बेटा आपसा जी बताइए क्यों समझ नहीं आया बेटा बताइए बताइए अभी सॉल्व करते हैं आप इस क्वेश्चन को ओके okay, मैं बताता हूं सुनिए एक बड़ा वाटर का जो है हमारे पास एक पानी की बूंद है जिसका बड़ा वेट है नीचे की तरफ और बेटा इस, इसको करना है बैलेंस बैलेंस तो बैलन्स करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट लगानी पड़ेगी इसके वेट के तो वो कितनी है ये वाली बस दोनों फोर्सेस को हमने बड़ा सिंपली क्या कर दिया है इक्वल कर दिया है इक्वल करने के बाद क्योंकि तो में है ना ये जो बेटा किसमें था इक्लुबीरियम में है इसलिए बेटा हमने सारी बैलेंस को पुट किया मास हमें गिवन है जी हमें गिवन गिवन है है चार्ज हमें है, और बेटा हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया ये सभी को समझ आया बेटा हाँ ना बोलिए बेटा फटाफट बच्चों क्या बात है वेरी गुड शाबाश और किसी बच्चे ने बोला था हमें सर समझ नहीं आया कौन था बेटा प्लीज बताइए ताकि मैं उसके डाउट्स को भी सॉल्व कर सकूं बच्चों ओके okay. अब बेटा है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या नाम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस अब कितने सारे चार्जेस हैं अब सभी चार्जेस मिलके किसी एक के ऊपर फोर्स लगाएंगे ठीक है जैसे मान लो एक बेचारे मान लो जैसे आप वो खेलते हो ना क्या कहते हैं उसको आ, रुमाल वाला कि रुमाल खींचना है या रस्सा कसी वाला ठीक है वैसे ही बेटा अभी एक पॉइंट होगा उसके ऊपर सभी चार्जेस मिलके फोर्स लगाएंगे सभी चार्जेस आएंगे भूम 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 फोर्स लगाएंगे देखो ये देखो अब ये चेहरा पॉइंट है इसके ऊपर सभी मिल जाएंगे अभी और सभी आगे फोर्स लगाएंगे देखो ये देखो पहले आएगा सबने सब मिलकर फोर्स लगाई देखो ये, ये सबको समझ आया पर एक बेस्ट पार्ट बताऊं क्या है इस का। इस इस चैप्टर चैप्टर का का बेस्ट पार्ट है कि ये वेक्टर चैप्टर है वेक्टर में आता है सारा तो सभी को हमें सिंपली क्या करना है वेक्टर सम कर लेंगे और हमारे पास आंसर है सभी को उठा के प्लस कर दीजिए सभी को ध्यान रखना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में तो भूल जाना दोनों लगाना है इसमें ठीक है यहां तक दिक्कत नहीं है किसी को सब कुछ समझ आ रहा है देखिए देखिए बेटा कोई भी दिक्कत बता है बताइए बहुत बढ़िया अरे वाह क्वेश्चन आया है बढ़िया क्वेश्चन आया है देखिए ये क्वेश्चन है वेक्टर फॉर्म का पर इसको मैं नहीं कराऊंगा इसको मैं अलग तरीके से कराऊंगा आप उसको फॉलो करिएगा चलिए आप इसको फॉलो करिएगा मान लीजिए मान लीजिए हमारे पास आ, दो चार्जेस हैं एक मान लो प्लस है दूसरा मान लो माइनस है दोनों चार्जिस दोनों पॉइंट वाले हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर और यहां पर एक चार्ज पड़ा है इस पॉइंट के ऊपर चार्ज नहीं पॉइंट है बेटा मुझे इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो कैसे करेंगे देखो अब बेटा देखिए ये जो पॉजिटिव वाला है इसको बेटा क्या करेगा ये करेगा रिपेल

ये आर हो गया और ये आर आसान हो गया समझने में आर स्केर ये बेटा कितना है तो की वैल्यू दोनों बेटा में ई मान लेते हैं क्या दिक्कत है क्या दिक्कत जाती है हमारी अब देखिए ये भी ई और ये भी ई अब बेटा मैं क्या करता हूं इसे कुछ

इसके कंपोनेंट बनाऊं इस इसके तो क्या बनेगा e cos theta e sin theta तो अभी देखिए e sin theta e sin theta इक्वल और ऑपोजिट होने के कारण कट गए हमारे पास बेटा क्या बचा हमारे पास अकेला क्या बचा 2e cos theta ठीक है तो ये आ गया e net की वैल्यू कैसे निकालेंगे यह t फीट वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास q e रूट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर का होल स्केयर इन टू का बेटा फॉर्मला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटनस क्या फॉर्मला होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटनस बेस कितना है बेटा इसका आर हाइपोटनस बेटा कितना है इसका रूट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर तो ये बेटा हमारे पास ई e नेट की वैल्यू आ गई सभी को इनमें समझ आया हा ना बोली बेटा फटाफट यस ठीक है Uh, सर कॉस्ट थीटा तो दो थीटा भी हो सकता है ना नहीं बेटा दोनों इक्वल भी मतलब दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है ना यहां से आठ डिस्टेंस है तो यहां से भी आठ डिस्टेंस है है ना तो इसलिए बेटा दोनों क्या होंगे सेम ही होंगे कॉस दो ही तो लिखिए दोनों में प्लस कर दिया ना देखो दो डायरेक्शन देखो दो लिखिए दो कॉस्ट थीटा एक इसके कारण एक इसके कारण बढ़िया अब मुझे ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे ये क्वेश्चन सब लोग सब लोग करके दिखाइए क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है लगा सकते हैं सभी लोग जल्दी बताइए जल्दी जल्दी बेटा जल्दी करें फिर हम आपको और एक्स्ट्रा काम कराते हैं फिर आपको बताइए बताइए बेटा जल्दी जल्दी बताइए ताकि मैं आपको और एक्स्ट्रा काम करा सकूं बढ़िया से यहां तक सब को हो जाएगा क्लियर मैं थोड़ा हिंट दे देखो यहां पर एक चार्ज है एक एक चार्ज है, है, टेन एक चार्ज है है चार्ज है माइनस दूसरा ये राइट पर पड़ा कितना देर मतलब इधर फाइव सेंटीमीटर और इधर फाइव सेंटीमीटर बीच का जो बाइस है वो कितना डिस्टेंस का है ट्वेल्व मतलब सेंटीमीटर का ये को क्या करेगा बच्चा लोग रिपेल करेगा इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं इसको दे कॉम्पोनेट है। है है e, ये लीजिए ये एंगल थीटा था ये भी एंगल थीटा है तो यानी ये भी थीटा और ये भी थीटा बड़ा क्या होगा कंपोनेंट बनाएंगे इसे कंपोनेंट बनाएंगे इसको भी ई e लिखेंगे क्योंकि तो दोनों का मैगनेट बड़ा सेम है ऊपर क्या लिखेंगे ई थीटा e cos थीटा उसी तरह बेटा इसको लिखेंगे e sin थीटा ये साइंथीटा क्या लिखेंगे ई कॉसिटा देखो साइन से साइन कट गया कितना बच गया बेटा आपके पास e cos थीटा यानी कि ये आ गया आपकी नेट की वैल्यू यहां तक सबको समझ आ गया बेटा बताइए बताइए आगे बेटा आपने बस बैलेंस पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा तो ये मैं रब करूंगा क्योंकि तो आपने खुद करना है इसको मैंने हिंट दे दिया है आप लोगों को ये खुद ट्राई करेंगे आप आगे बढ़े बेटा चलिए तो बहुत बढ़िया हो गया ये है क्वेश्चन इसको नकल नहीं मारनी नकल नहीं मारनी नकल नहीं मार नकल नहीं नहीं निकल नहीं, नहीं 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 नकल नहीं नकल नहीं ओके अब देखिए हमारे पास वेरी गुड कीर्ति जी शाबाश अब देखिए हमारे पास बेटा कितने सारे चार्जेस पड़े हैं हमें बेटा क्या करना है इन सभी चार्जेस कारण मुझे डायरेक्शन पता करनी है इलेक्ट्रिक फीड की मान लीजिए यहां पर इन सभी चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फीड का पॉइंट आ रहा है ए तो अगर किसी पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा वो क्या बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दूसरा दूसरा बड़ा पॉइंट है बी बड़ा इसके ऊपर मैं क्या क्या कर दू? अगर दू कर अगर टेंजेंट तो वो क्या बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेरी गुड बड़ा मान लीजिए हमारे पास तीसरा पॉइंट है सी वहां पर टेंजेंट ड्रॉ दू कर दूंगा तो बड़ा वो क्या बता देगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं तो मुझे पता लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा वो कर्व होती है शार्प कर्व नहीं होती है शार्प कर्व नहीं होती है एक नॉर्मल कर्व होती है शार्प नहीं होती ठीक है चीके? तो हमें ये पता लगता है कि अगर मैं किसी अगर डायरेक्शन पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हमें क्या ड्रॉ करना चाहिए टेंजेंट को करना चाहिए प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्यारे बच्चों ठीक है इसका बड़ा कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होती ध्यान रखना नो फिजिकल मीनिंग या नो no कोई एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है ये सिर्फ एक हमें बताने के लिए हमें डायरेक्शन समझाने के लिए बेटा हम इसका ड्रॉ करते हैं अदरवाइज इसको ड्रॉ नहीं किया जा सकता बच्चों देखिए अब देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होगी फील्ड की अगर कोई नेगेटिव चार्ज है बेटा उसकी डायरेक्शन बेटा हमेशा इनवर्ड होगी हमेशा बेटा किधर को होगी इनवर्ड होगी यह बताने की जरूरत है अभी आज ज्यादा इसमें राइट बहुत बढ़िया ओके okay. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किसी एक सिंगल पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते ये तो हमने पढ़ा हुआ है क्लास में भी था हमारे पास ये समझ आ गया सभी को दो लाइंस बेटा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है राइट ओके अब देखिए जहां पर चार्जेस पास में होंगे मान लीजिए यहां पर चार्जिस देखो यहां पर मैं एक एरिया लेता समझिए मान लीजिए बेटा दो सेंटीमीटर का एक लिया या मान लो रिंग लिया वो दो सेंटीमीटर का रिंग को मैंने यहां पर लेके गया और यहां रखा तो बताइए बेटा किसमें ज्यादा लाइंस पास हो रही हैं पहले वाले में या दूसरे वाले में से बताइए बताइए बच्चों बताइए पहले वाले में से यस तो यानी कि जिसमें से ज्यादा लाइंस पास होंगी वहां पर होगी, कम होगीउंट करना है इलेक्ट्रिक कर मतलब फील्ड होगी। देखी देखी स्ट्रेंथ होगी देखिए अभी देखिए स्ट्रेंथ डिपेंड करती है लाइन्स के ऊपर जितनी ज्यादा लाइन्स उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ समझे मेरी बात बच्चे क्लियर हो गया सभी को देखिए जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते जाएंगे देखो ये दूर चला गया ये डिस्टेंस आर मान लीजिए आर वन ये डिस्टेंस मान लीजिए आर टू देखिये आर टू वाला पास में है यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और जो दूर वाला है वाला उसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी कम होगी अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट देखिए देखिए हमने क्या किया एक पॉजिटिव चार्ज दिया देखो, हम देखो देखो कितना बढ़िया है एक पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन कितनी बढ़िया बताई गई है देखो अब बाहर की तरफ है

तो पास जाते ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाती है जैसे दूर जाओगे तो घट जाएगी तो घट गई है ना ओके अब डबल कर दिया चार्ज जैसे ही डबल किया इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई जैसे ही चार्ज को डबल किया इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गई है ना बढ़िया है अब देखते हैं ओके अब देखिए हम क्या करते हैं

सेंटर में लेके जा रहे हैं लेके जा रहे हैं ये देखो लेके गए लेके जाए ले जा भाई ले गए ले गए ले गए ले गए और ये देखो जीरो हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जानी दो चार्जेस अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगी ठीक है अगर छोटा एक तरफ छोटा चार्ज है उससे बड़ा चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ शिफ्ट होगी बड़े वाले की तरफ ये देखो

एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव देखिए बहुत बढ़िया चीज है तो हां पॉजिटिव देखो टर्न हो गई देखो यहां पर टर्न हो गई है पॉजिटिव टर्न हो रही है, मतलब हम सकते है, ये कर्व होती है। आ, ठीक है अभी देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म देखो यह है, है हमारे पास देखो यूनिफॉर्मिलिटी फील्ड क्या होगा बेटा

Of course, जिसके पास अंदर जाएगी वो आएगा नेगेटिव। नेगेटिव भाई तू तो है। जो निकालेगा वो हो गया पॉजिटिव। तो बताइए पॉजिटिव कितनी काउंट करिए। नहीं, ज़्यादा हो गया ना फिर से। वाली ओके तो ये वाली कितनी है ये वाली है अंदर की तरफ एक दो तीन चार पांच छह ये हो गए छह वाली है ना समझ आ गया सभी को तो देखते हैं टोटल कितना आंसर आएगा कितनी रेशू आएगी देखो ये आई रेशू माइनस वन बाई थ्री ये सबको समझ आ गया बेटा कि नहीं हाँ बोलिए फटाफट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है

ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है ए बी या सी ए बी या सी ए से तीन लाइन पास हो रही है सी से भी तीन हो रही है तो इसका क्या है ए और सी दोनों सेम है और कम किसकी है वहां से एक पास हो रही है दैट इज ई बी फटाइट ये सभी को समझ आया ना बोलिए फटाफट है ना अब बेटा आपके पास ना कुछ होमवर्क है उसके बाद में कुछ आपको एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ कुछ मैरिकल्स हम लगाते हैं ये हो गया हमारे पास ठीक है देखिए ये है हमारे पास आपने ये वर्क बुक नहीं करनी है हमारे साथ एनसीआरटी करनी ठीक है अच्छा अभी सभी बच्चों ने बताओ फॉर्म फिल किया है सभी ने किन किन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है प्लीज ओके बहुत बढ़िया कौन कौन रह गया प्लीज वो बताइए ओके जिनका रह गया है ना बेटा वो आज जाके अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए हां हां जा सकते हैं और जिनका हो गया वो जा सकते हैं बेटा आप भरिए सभी लोग जिन्होंने बच्चा फॉर्म नहीं फिल किया है प्लीज वो फॉर्म को जरूर फिल करें ठीक है